अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि सरकारी नौकरी की तैयारी लोगों की लाइफ बर्बाद कर रही है, बर्बाद नहीं झंड कर दे रही है। मैं बता दूं हकीकत में यही हो रहा है। वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज, कमेंट, बहुत सारी चीज़ें आई कि सर क्या करें, कैसे करें। और गाइस ये बहुत सीरियस मैटर है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन इज़ नॉट अ ईजी थिंग। आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप जो कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन तो ठीक है, ठीक है आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो ठीक है, ये वैकेंसी वाली जो दिक्कत है ना, जो पेपर लीक वाली समस्या है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के सामने एक समस्या खड़ी कर दे रही है। जैसे यूपी पुलिस का भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 5 साल बाद, लगभग 4 साल बाद भर्ती निकली है, तो जो भी स्टूडेंट पुलिस बनना चाहते थे यूपी में, 4 साल के इंतजार के बाद पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। अब स्टूडेंट बहुत एक्टिव है इस पे, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ है, और आई एम ऑल्सो विद द स्टूडेंट के, और पूरी करियर अड्डा की टीम जो है वो स्टूडेंट के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि समझ से बाहर हो गई, कि स्टूडेंट का माइंडसेट बदल दिया, चीज़ें इस तरह से हो जा रही हैं, क्या से क्या हो रहे हैं भाई। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल कौन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा, बुढ़ा हो जाएगा आदमी। तो ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं भाई, एक उम्र होती है सब चीज़ की, एक एज होती है, हर चीज़ अगर उस एज में ना मिले तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, डिप्रेशन, एनजाइटी एंड ऑल द थिंग्स बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। लेकिन आपको देखो इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेशेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप होपलेस नहीं हो रहे हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास में गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, तो वही 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अगर बन जाए, अगर पूरी वैकेंसी सही से पाइपलाइन में निकले। देखो गवर्नमेंट जॉब का रूल क्या है कि भाई जब लोग रिटायर्ड होते हैं उनके जगह नया वैकेंसी रिफिल की जाती है, लेकिन पहले कभी कभी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गया होगा, तो रिटायरमेंट की संख्या जब कम कम होने लगती है तो रिक्रूटमेंट भी कम होने लगता है, तो किसी ईयर में ज़्यादा होता है किसी ईयर में कम होता है, तो 2-4% का फर्क हो के जाता है, और 2-4% बहुत अफेक्ट कर देता है, मतलब लगता है 1% भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना डरिए मत आप, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि आप अपने घर का पैसा, अपना बजट, अपना टाइम सब कुछ मैनेज करके चलिए। सपोज आपके घर वालों ने बोला भाई हमारे पास 2 साल प्रिपरेशन में तुम्हें करा सकता हूँ, तो आप वो 2 साल का ही टाइम ड्यूरेशन लीजिए, और उसके बीच में देखो आप कुछ करते रहो, कुछ अपना अर्निंग करते रहो, ट्राई करो अपना खर्चा पानी निकाल लो। सबसे बड़ा बर्डन क्या होता है कि भाई घर वालों के ऊपर बर्डन ना हो, अपना खर्चा पानी आप निकालते रहो, प्रिपरेशन करते रहो 2 से 3 साल, मैक्सिमम 4 साल। भाई 4 साल के बाद ये बोलो 5वीं 6ठी साल प्रिपरेशन के लिए तो मैं कभी अग्री नहीं हूँगा। अगर वैकेंसी नहीं निकली तो उस सिनेरियो में वो तो चलो एक एक्सेप्शन हो गया कि उस सिनेरियो में आप तैयारी कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वैकेंसी निकली हुई है तो गाइज फिर आपके लिए दिक्कत है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आपको समझना जरूरी होगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, और स्टेप बाय स्टेप आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ऐसे नहीं कि एक बैग आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी के अलावा भी आपके पास रास्ते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप देखो ना, हर बंदा तो सरकारी नौकरी में सेटल हो नहीं सकता, सरकारी नौकरी में मेहनत, लक, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। थोड़ा बहुत आपका लक भी चलेगा, मेहनत है आपका, एफर्ट है, स्मार्टनेस है, कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो आप डरिए मत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डर के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, लेकिन आप बहुत लंबा खिंच जाना भाई, 7 साल 8 साल, मतलब कहीं ना कहीं आप नहीं, आप एलिजिबल हो, आप गलतियां कर रहे हो, आप उसी गलती को रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। जब आप सेम गलती बार बार रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल में आप ज़रूर फंसोगे, और उस मुश्किल का सामना करने के लिए आपको पेशेंस, हिम्मत सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट जॉब जो भी कर रहे हो, टेक या नॉन टेक, हमेशा मैंने बोला है कि सोच समझ कर ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। अगर आप अनवांटेड डिसीजन लोगे तो पूरी अपनी ह्यूमन लाइफ करप्ट कर जाओगे यार, सोचोगे 1 साल और 1 साल और। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखा कि हाँ सर आपने बताया था 2 साल मैंने कर लिया, सर 2 साल और मैं करना चाहता हूँ, फिर 1 साल और, फिर 1 साल और, 1 साल और, 12 12 14 14 साल लोग प्रिपरेशन कर रहे फिर भी नहीं सेलेक्ट हो रहे, क्यों भाई? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर फैमिली टाइम, आप अपनी ह्यूमन लाइफ यार झंड कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। चीज़ों को जब इतना ऑब्जर्व एनालिसिस करके चलोगे लाइफ में ना, देखो कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है, भगवान की जो चीज़ें हैं वो वही जानते हैं, लेकिन
आपके हाथ में जो चीजें हैं कि भाई एनालिसिस करके पर्टिकुलरली आपको जाना है, तो एनालिसिस करके जाओगे, एनालिसिस करके समझोगे, एनालिसिस करके अपने करियर और फ्यूचर पे डिसीजन लोगे, तो बहुत आगे जाओगे। दुख दर्द और प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। जिस दिन आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आओगे, कुछ कुछ करना स्टार्ट करो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी जॉब आपको मिल रहा करना शुरू करोगे, धीरे 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 आपका करियर वहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और जब करियर ग्रो होगा तो लाइफ में हर चीज़ें धीरे 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 अच्छा होना शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपके लिए हर चीज़ बेटर होती चली जाएगी। वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है भाई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, आप कितने साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन किए हो, क्या आप सफल हुए हो या नहीं, उसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। और जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर के ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।